हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मैंगो के बारे में। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फलों का राजा आम। आम खाना किसे पसंद नहीं है, आम का सीजन भी आ गया है और बच्चे भी इसे खाने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जरा ध्यान से, आम खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है आम खाने के बाद कुछ चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैड मैंगो कॉम्बिनेशन के कारण हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। वैसे तो आम में विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन B12 के साथ साथ ये फाइबर रिच फूड भी होता है, लेकिन बैड फूड कॉम्बिनेशन के कारण यह आपके हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बैड फूड मैंगो कॉम्बिनेशन के बारे में। नंबर वन, वाटर। आम खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। वैसे तो किसी भी फ्रूट्स के खाने के बाद आप वाटर का इंटेक नहीं करें, यह हानिकारक हो सकता है, लेकिन आम के तुरंत बाद अगर वाटर का इंटेक कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पेट में गैस, सीने में जलन और कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक। चाय और कॉफी का नेचर गर्म होता है, आम के तुरंत बाद चाय या कॉफी का इंटेक करते हैं तो उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और कई केसेस में चाय के तुरंत बाद या आम के तुरंत बाद चाय का अगर इंटेक किया जाए तो सीने में जलन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा शुगर होता है और आम भी खाने में मीठा लगता है, दोनों मीठा होता है, इसके कारण यह पेट में जाके हानिकारक रिएक्शन कर सकता है और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा भी सकता है। थर्ड, मिल्क और कर्ड। मार्केट में मिलने वाला मैंगो लस्सी, मैंगो शेक, ये भी बैड कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से आपको सर्द गर्म का असर हो सकता है। आम के तुरंत बाद दूध का यूज करने से बदहजमी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दही तो एकदम नहीं खाना चाहिए। दही और आम मिल के CO2 बनाता है और इससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है, एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है। इसके अलावा बहुत लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, स्किन में रैशेस होने के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। फोर्थ, मसालेदार खाना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग खाने के साथ या खाने के बाद आम जरूर खाते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पाइसेस और मैंगो दोनों का नेचर गर्म होता है और ज़्यादा गर्म फूड खाने से पेट में गर्मी हो सकती है, जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, फेस पे पिंपल आना, स्किन में रैशेस होना, ये सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बैड फूड कॉम्बिनेशन पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।